हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। बच्चों, आज कोई क्लास अपलोड नहीं हो रही है आप लोगों के लिए। आज हम सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कहां पर सीए स्टूडेंट लैक करता है, जिसकी वजह से उसको फेलियर फेस करना पड़ता है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं, सीए पास करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। क्या रीजंस हैं इन चीजों के, उनको हम एनालाइज करेंगे। फ्रॉम द लास्ट 8 to 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, जो मैंने स्टूडेंट्स को एनालाइज किया, उनको जाना, उनमें से कुछ मिस्टेक्स मैंने लिस्ट आउट करी जो आमतौर पे स्टूडेंट्स करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें फेलियर फेस करना पड़ता है। हो सकता है ये मिस्टेक्स आप भी करें या कर रहे होंगे, तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ये आपको रियलाइज कराएगा कि आप कौन कौन सा मिस्टेक कर रहे हो जो आपके गोल को आपसे दूर कर रहा है, आपके ड्रीम को आपसे दूर कर रहा है। ये जो पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये सिर्फ आपको सीए टाइटल अचीव करने में हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि लाइफ में किसी भी गोल, किसी भी टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि ये वीडियो आपको बोरिंग लगे, तो बॉस रिमाइंड यू, मैं यहां पर कोई कॉमेडी शो लेकर नहीं आया हूं आपके लिए जो आपको मैं एंटरटेन करूंगा। हम यहां पर मिस्टेक्स अपनी एनालाइज कर रहे हैं एंड इट इज अ सिंसियर एंड वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो हम बहुत सीरियसली अपनी मिस्टेक्स को लिस्ट डाउन कर रहे हैं, उनको एनालाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मिस्टेक्स हम फ्यूचर में रिपीट ना करें। क्लियर? तो आप अगर 2-3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो बॉस चिपक के इस वीडियो को देखो, पूरा देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर मई 2020 में आप पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं, तो बॉस इस वीडियो को देखो और देखो, कोशिश करो कि जो मिस्टेक्स हमने इसमें लिस्ट डाउन करी हैं वो आप ना करो, ताकि आप मई 2020 वाला एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लो। क्लियर है? हमारे पास केवल अब 4 मंथ्स रह गए हैं मई 2020 के लिए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और बहुत से बच्चों को मार्च में ग्रेजुएशंस के पेपर भी देने रहेंगे, तो आपका वहां पर भी टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इफेक्टिव टाइम जो आपके पास है 3.5 मंथ है। तो बॉस, इट इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट योर स्टडीज एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर मई 2020 इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट। ओके, आइए लिस्ट डाउन करते हैं मिस्टेक्स, क्या मिस्टेक्स करते हैं हम लोग। सबसे पहला मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है, डिले। डिले किस चीज का? सर, सेल्फ स्टडी को डिले कर देते हैं। क्लासेस जा रहे हैं, क्लासेस बराबर लगा रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जो भी क्लासेस वो कर रहे हैं, जिन भी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, बहुत अटेंटिवली अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बहुत रेगुलर हैं क्लासेस में, क्लासेस मिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो वो मिस कर रहे हैं वो है सेल्फ स्टडी। देखिए, क्लासेस आपको हेल्प नहीं करेंगी अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। तो हम भी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, हम साफ बोल रहे हैं कि हमारी क्लास आपको फायदा नहीं देगी, फायदा आपको आपकी सेल्फ स्टडी देगी। आपकी क्लासेस आपको 30% एडवांटेज दे सकती हैं, रेस्ट 70% आपका सेल्फ स्टडी आपको देगा। तो जो भी चीजें आप क्लासेस में ले रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको घर आके रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस ब्राइटर हैं। ठीक है? अगर मैं आज से बात करूं मई 2020 के लिए, तो आज से आपका सेल्फ स्टडी का टाइम कितना होना चाहिए? अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, तो आपका सेल्फ स्टडी का आज से जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 4 to 6 hours डेली। और अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए 6 to 8 hours डेली। बात समझ में आ रहा है? तो अपने टाइम स्लॉट को इस तरीके से सेट करो कि आप अपना ये सेल्फ स्टडी वाला टारगेट अचीव कर सको। आपने अगर आज से ये सेल्फ स्टडी वाला प्लान अचीव कर लिया, तो बॉस आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि आप मई 2020 वाला एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। क्लियर?
दूसरा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है अनरियलिस्टिक टारगेट्स बना लेते हैं। ठीक है ना, अनरियलिस्टिक टारगेट क्या है? सर आज करंट डे में ये सेल्फ स्टडी कर रहे हैं दो घंटे की, और कल से इन्होंने प्लान क्या बना लिया कि सर कल से अपन क्या करेंगे, अपन सेल्फ स्टडी 12 आवर्स करेंगे। नहीं कर पाओगे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप दो घंटे को एकदम से 12 घंटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस प्रोसेस में लगता है टाइम। तो माइंड यू, अगर आपको मई 2020 में एग्जाम देना है और अप्रैल में आपको 12-14 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो आपको आज से 3-4 घंटे देने हैं और स्लोली ग्रेजुअली अपना टाइम इंक्रीज करना है, ताकि आप अप्रैल में 12-14 आवर्स का इफेक्टिव स्टडी कर पाओ। क्लियर? तो आपके पास टारगेट जो होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। दो घंटे को 12 घंटे नहीं बना सकते। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ ही नहीं रहे, हफ्ता भर नहीं पढ़ रहे हैं, और टारगेट क्या बनाया, यार संडे को अपन क्या करेंगे ना, संडे को अपन कॉस्टिंग के 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं कर पाएगा तू। तूने हफ्ता भर पढ़ाई नहीं करी है, एकदम से तू 4 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करेगा? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। टारगेट्स बनाओ जो आप अचीव कर सको। ये जो टारगेट्स होते हैं ये मोटिवेशन का काम करते हैं, टारगेट्स जो हैं मोटिवेशन का काम करते हैं। अगर आप ऐसे टारगेट बनाते हो जो आप अचीव कर पाते हो, तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आप अपने बाकी टारगेट्स को भी पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने अनरियलिस्टिक टारगेट्स बना लिए और आप उन्हें अचीव नहीं कर पाए, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आप डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा यार मई 2020 तो हमारे बस का नहीं है, चल नवंबर 2020 के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये वाला अटेम्प्ट तो हमारा गया ना। भाई ऐसा नहीं करना है, हमें रियलिस्टिक टारगेट्स बनाने हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं बनाने हैं। तीसरा जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, फोकस करते हैं ऑन हार्ड वर्क इंस्टेड ऑफ स्मार्ट वर्क। बॉस डिजिटल इंडिया चल रहा है, हार्डवर्क का जमाना जा चुका है, भूल जाओ इसको। जमाना किसका चल रहा है, जमाना चल रहा है स्मार्ट वर्क का। सर ये स्मार्ट वर्क क्या होता है, कैसे करते हैं? बच्चे आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट है, से टैक्सेशन का एक सब्जेक्ट है, टैक्सेशन में आपके पास दो पार्ट है। मैं ये सीए इंटर वालों के लिए बात कर रहा हूं, आपके पास दो पार्ट है, डीटी है और आईडीटी है। डीटी आपकी 60 मार्क्स की है और आईडीटी आपकी 40 मार्क्स की है। और सर इसका सिलेबस कंपेरेटिवली लेस है देन डीटी। तो आपको टैक्सेशन में जो फोकस करना चाहिए वो आईडीटी पे करना चाहिए। उसके बाद भी डीटी में आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसमें से जो आपको मेन फोकस करना चाहिए वो 5 हेड्स पे करना चाहिए, रेसिडेंशियल स्टेटस पे करना चाहिए, आपका जो बेसिक्स वाला चैप्टर है उस पर फोकस करना चाहिए, और जो अदर चैप्टर्स हैं उनको आपको बैक सीट पे रखना चाहिए। मतलब यू शुड डू ABC एनालिसिस। आपका जो एंटायर सब्जेक्ट है उसको ABC कैटेगरी में डिवाइड कर, स्प्लिट कर। ए कैटेगरी वाला जो सिलेबस है तेरा, जो ए कैटेगरी वाला सिलेबस है, इसे अपने को एटलीस्ट 4 टाइम्स करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा कवरेज इस ए कैटेगरी की होने वाली है। जो बी कैटेगरी वाला सिलेबस है, जिससे कभी कभार सिलेबस में आता है कभी कभार नहीं आता है, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, इसे हमें 3 बार कंप्लीट करके जाना है। और जो आपका सी कैटेगरी का सिलेबस है उसे आपको 1-2 बार करके जाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सर हमने टैक्स उठा लिए
और हमने फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारे चैप्टर पढ़ डाले हैं सर। बच्चे फायदा ही नहीं है ना, बच्चे फायदा ही नहीं है इस चीज का। आपने पूरी मेहनत कर ली, सारे चैप्टर्स आपने कवर कर लिए, लेकिन सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। जहां कहीं से भी हमें उसके लिए क्वेश्चंस मिले हमें उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आपको मॉड्यूल कवर करना है, रिवीजन टेस्ट पेपर्स कवर करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर कवर करने हैं, रेफरेंस बुक कवर करनी है, जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस किस पे होना चाहिए, ए कैटेगरीज पे। 4 times रिवीजन की स्ट्रेटेजी लेके चलनी है, 3 times बी कैटेगरी के लिए और 1-2 times सी कैटेगरी के लिए। तो पहली बार जब आप रिवाइज करेंगे सब्जेक्ट को तो आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ए कैटेगरी। जब दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार पढ़ेंगे तो ए और बी दोनों पढ़ेंगे। देन आप लास्ट वाला जब रिवीजन कर रहे होंगे तो उसमें आप सी को भी टेकअप करेंगे। बहुत समझ में आई आपको जी। चौथा, जो आज की डेट में बच्चे लैक करते हैं वो है सेल्फ मोटिवेशन। आपके पास खुद में मोटिवेशन की कमी है। हम क्या कर रहे हैं, हम यूट्यूब में एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लिया, अरोड़ा सर का वीडियो देख लिया, स्वप्निल सर का वीडियो देख लिया, प्रवीण सर का वीडियो देख लिया। हमने ये जो वीडियोस देखे इनसे हमें मोटिवेशन तो मिला, उनसे हमें ज्ञान तो मिला, लेकिन वो मोटिवेशन बच्चे आपका पास बहुत ज्यादा होगा तो एक दिन के लिए रहेगा। आफ्टर वन डे दैट मोटिवेशन विल बी वैनिश्ड। जो आपके पास हमेशा रहेगा वो है सेल्फ मोटिवेशन। खुद को इंस्पायर करो, खुद को मोटिवेट करो, अपने टारगेट्स अचीव करो, अपने आप को कल से कंपेयर करो कि आपने कल क्या किया था और आपने आज क्या किया है। कल से ज्यादा आज अचीव करने की कोशिश करो। अगर आप कल से ज्यादा आज अचीव करने की कोशिश करोगे तो आप डेली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। बात समझ में आ रहा है। खुद को ग्रो करना है तो खुद की तरफ आप क्रिटिकल हो जाओ, खुद को मार्क्स देने शुरू करो, 1-10 मीटर बनाओ और चेक करो कि तुमने अपने आप को कितना इंप्रूव किया है कल से। क्लियर है? तभी मैं बोल रहा हूं कि आपके पास जो टारगेट्स होने चाहिए वो टारगेट्स अचीवेबल होने चाहिए। जब आप ये टारगेट्स अचीव करते हो तो आपका मोराल जो होता है वो हाई हो जाता है, और जब मोराल आपका हाई होगा तो यू विल फील मोटिवेटेड, एनर्जेटिक, आपका मन लगेगा पढ़ाई में। अनरियलिस्टिक टारगेट्स बना लेते हैं, अचीव हो नहीं पाता है, मोटिवेशन कहां से आएगा, डीमोटिवेशन हो जाता है। फिर हम जाते हैं यूट्यूब में संदीप जी का वीडियो देखेंगे और वो वीडियो देखते देखते हम भटक जाते हैं, यहां से वहां, वहां से आ। बात समझ में आ रही है? तो अपने आप को इतना मोटिवेट करो कि आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, आप इंटरनली ही अपने आप को मोटिवेट रख सके। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है ट्राई टू इंप्रूव डेली। क्लियर? जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के लिए हर दिन यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करो, तो ये मेरा मोटिवेशन है। अब मैं टारगेट बना लूं कि रोज मैं 3 वीडियो डालूंगा तो बॉस ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा, मैं 3 वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक वीडियो जब मैं अपलोड कर देता हूं तो मैं मोटिवेटेड फील करता हूं और अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता हूं कि मुझे कौन सा वीडियो आपके लिए अपलोड करना है यूट्यूब में। तो ऐसे टारगेट्स होने चाहिए जो आप अचीव कर सके। क्लियर? इसके अलावा अगर आपको लगता है और कोई रीजन है फेल होने का तो उसे कमेंट करके बताइए कि क्या और रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत है तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू द एक्सटेंट पॉसिबल। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।